सबका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आज पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस की दादागिरी का कारनामा सामने आया है, जहां एक कार सवार तीर्थ यात्री और उसके परिजनों को पीटते नजर आए हैं पुलिसकर्मी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर की बड़ी ईदगाह पर आज सुबह 7:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने अदा कराई। नमाज के बाद शहर इमाम ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। नमाज के दौरान ईदगाह में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान, सपा नेत्री ज्योत्सना कश्यप, पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा व जनपद के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर, महान त्यौहार पर, मैं अपने जनपद शाहजहांपुर वासियों को बहुत बहुत समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज हम लोग बड़ी ईदगाह में यहां पर ईद उल अजहा की नमाज़ अदा की है। ये ईद उल अजहा कुर्बानी का त्यौहार है और इसमें कुर्बानी होती है। और हम सब लोग भाईचारे मोहब्बत प्रखलूस यहाँ शाहजहांपुर में गंगा जमनी तहजीब वाले शहर में हमेशा भाईचारे मोहब्बत के साथ सारे त्यौहार मनाते चले आए हैं। त्यौहार चाहे ईद का हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे होली का हो, जन्माष्टमी का हो, क्रिसमस डे हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, हम सब सारे लोग शाहजहांपुर में, क्योंकि ये साजी शहादत साजी विरासत वाला शाहजहांपुर शहर है हमारा, और इसका नाम उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है गंगा जमनी तहजीब के नाम पर। क्योंकि यहाँ के जिन नौजवानों ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपनी जान की जो कुर्बानी दी थी, चाहे शहीद वतन अशफाकुल्ला खान साहब हों, शहीद वतन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह जी हों, मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब हों, तो ये इन लोगों ने एक पैगाम दिया था, ख़ास तौर से हर वर्ग हर समाज के नौजवानों को, कि हम इस दुनिया से जा रहे हैं, देश को आज़ाद करा कर जा रहे हैं आप लोगों के, लेकिन किसी भी सांप्रदायिक ताकतों के आगे आप लोगों को देश का माहौल नहीं ख़राब करना है, एक होकर रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। जो हमारे गंगा जमनी की तहजीब है, हमारे अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जो पैगाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी पैगाम के साथ हम सारे लोग सारे त्यौहार मनाते रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम सब लोग आपस में खुशियाँ बांटते रहेंगे गले मिलकर। चाहे होली हो, चाहे ईद हो, गले मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगे, सिमई खाएंगे, हिंदू भाइयों के यहाँ जाकर मुस्लिम समाज को अपने गुजिया खाएंगे, और हिंदू भाई हमारे मुस्लिम समाज के घरों पर आकर सिमैयाँ खाकर खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे और ईद की मुबारकबाद देंगे। ये सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ईद उल अजहा है तो आप सब लोगों को, शाहजहांपुर के सभी वासियों को और पूरे देश के सभी वासियों को ईद उल अजहा की बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। उत्तराखंड पुलिस का शर्मसार करने वाला यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है। दरअसल गंगा दशहरे के अवसर पर हरिद्वार में एक परिवार गंगा स्नान करने आया था। तपती गर्मी में जब बच्चों ने पानी मांगा तो उन्होंने अपनी गाड़ी हरिद्वार के पास ज्वालापुर में साइड लगाकर खड़ी कर दी और पानी खरीदने लगे। तभी वहां उत्तराखंड पुलिस के 2 जवान पहुंचे और गाड़ी का चालान काट दिया। इस दौरान गाड़ी मालिक ने बच्चों को पानी पिलाने की बात कहते हुए चालान ना काटने की बात कही, जिससे क्षुब्ध पुलिसकर्मियों ने परिवार के साथ अभद्रता की। वहां मौजूद लोगों ने परिवार के साथ अभद्रता का विरोध किया, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने सरेराह सड़क के बीचों बीच लात घूसों से पीटा। बेरहमी से पिटाई होते देख बेटी पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बेरहम पुलिस को बच्चों और पत्नी पर कोई दया नहीं आई। फादर्स डे पर एक संभ्रांत व्यक्ति को उसकी बेटी के सामने ही अपमानित करना, क्या यह उचित था? क्या ऐसे बेरहम दबंग पुलिसकर्मियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई एक्शन लेंगे, या धर्म नगरी हरिद्वार में आए श्रद्धालुओं के साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहेगा? शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के गांव कोलूगाड़ा में 7 घर आग की चपेट में आ गए। गौरतलब है कि रमन के घर में सोमवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे के करीब अचानक आग लग गई। रमन और उनके परिवार के लोगों ने जब तक ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, तब तक आग ने पड़ोस में रहने वाले रामपाल सक्सेना, रामाधर सक्सेना, राम विलास सक्सेना, उत्तम कुमार सक्सेना, ध्रुव कुमार सक्सेना व कमल सक्सेना के मकानों को भी अपने आगोश में ले लिया। आग का विकराल रूप देखते ही गाँव के लोग ट्रैक्टर वाली स्प्रे मशीन, बाल्टी आदि लेकर मौके पर पहुंच गए और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीण आग को लगभग शांत कर चुके थे। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।